दिल्ली का ये शातिर चोर लग्जरी गाड़ी में बैठकर चोरी करने आता था। वो साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों के फ्लैट्स में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देता था। उसने कई नेताओं, डिप्लोमेट्स और अफसरों के घरों में सेंधमारी की थी और लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर चुका था। हो जाइए शातिर अपमार्केट चोर से अलर्ट। दिल्ली में गिरफ्त में आया सुपर चोर, आलिशान कार में बैठकर करता था चोरी, नेताओं और अफसरों के घरों को बनाता था निशाना, कॉल बेल बजाकर करता था बड़ी बड़ी चोरियां। आखिरकार पुलिस के शिकंजे में फंसा सुपर चोर, दिल्ली पुलिस ने बिछाया हाईटेक जाल, फेसबुक से कसा चोर पर फंदा। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस नौजवान को देखिए। इसका नाम है सिद्धार्थ मेहरोत्रा। 27 साल के इस युवक के काले कारनामों की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक सुपर चोर है जिस पर इल्जाम है कि उसने चोरी की करीब 30 वारदात को अंजाम दिया है। चोर चोरी करने के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। दिल्ली में एक ऐसा ही सुपर चोर पकड़ा गया है जो कि आलीशान गाड़ियों में चलता था और महंगे कपड़े पहनता था। अच्छे परिवार का था लेकिन इसको चोरी की लत लग गई थी। अपने चोरी के पैसे से खरीदी गई शेवरले क्रूज गाड़ी से ही ये बड़ी सोसाइटीज में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उसके जुर्म की गवाही दे रही हैं। देखिए किस तरह चोरी से पहले सिद्धार्थ घरों की रेखी कर रहा है। सिद्धार्थ को सुपर चोर कहा जा रहा है तो इसकी पुख्ता वजह है। ये शख्स लग्जरी कार में सवार होकर चोरी करने पहुंचता था और वसंत कुंज जैसे पौश इलाके में सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम देता था। हमारे यहाँ पे जनवरी ऑनवर्ड्स काफ़ी वसंत कुंज एरिया में बहुत ज़्यादा बर्गलरीज था और सभी में एक ही जैसा मोडस ऑपरेंडाई आ रहा था। शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे सारे जितने भी हाउसेज उसने टारगेट किए वो सारे ग्राउंड फ्लोर मकान थे, कभी भी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे नहीं गया। हमारी टोटल 18 के करीब बर्गलरी हमारा रिपोर्ट हुआ। सुपर थीफ सिद्धार्थ मेहरोत्रा के चोरी करने का तरीका जितना फिल्मी था, उसके पकड़े जाने की कहानी उससे कम रोमांचक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस शातिर चोर को गिरफ्तार करने के लिए हाईटेक जाल बिछाया था, गूगल से लेकर फेसबुक तक की मदद ली और फिर सिद्धार्थ मेहरोत्रा को धर दबोचा। अलार्म में हम आपको ये सब तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस सुपर चोर के गुनाहों की डायरी खोलते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिद्धार्थ हमेशा एक लग्जरी कार से चोरी करने आता था। ये कार भी उसने चोरी के पैसों से खरीदी थी। उस 34 लाख रुपया से इन्होंने क्रूज गाड़ी और एक स्पोर्ट्स बाइक, 7-8 लाख का स्पोर्ट्स बाइक वो इन्होंने यूज़ किया। उसमें रिकवरी सिर्फ इन्होंने 1,80,000 रुपया दिखाया और बाकी इन्होंने ये क्रूज गाड़ी, जब भी आते थे चोरी करने तो उस क्रूज गाड़ी में आता था और उसके बाद थोड़ी देर रेकी करने के बाद अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेते थे। सुपर चोर सिद्धार्थ मेहरोत्रा पर 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाओं में शामिल होने का आरोप है और इनमें से ज्यादातर वारदात दक्षिण दिल्ली के पॉश वसंत कुंज इलाके में हुई। ये शातिर चोर अक्सर हाई प्रोफाइल लोगों के घरों को निशाना बनाता था। इनमें राजनेता से लेकर डिप्लोमेट तक शामिल हैं। इसके मोडस ऑपरेंडी के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यह हमेशा ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स में चोरी करता था। इसकी वजह क्या थी, वो ऐसा क्यों करता था, ये बात आप दिल्ली पुलिस के डीसीपी ईश्वर सिंह से सुनिए। वहाँ पे एसके भागने में बहुत इजी है। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे किसी ने देख लिया भागे पीछे तो नीचे उतरने में आपको पकड़े जाएंगे। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर से जैसे ही किसी को थोड़ा सा भी आहट हुआ उसमें उसके बाद ये सीधे भाग गए। एक जो इनके साथ जो साथी था अनुराग, वो बाहर खड़ा होकर वो रेकी करता रहता था, अगर कोई आ गया तो इसको अलर्ट कर दिया और उसके बाद भाग गए। वसंत कुंज जैसे पौश इलाके में सेंधमारी की वारदात के लिए ये सुपर चोर पूरी तैयारी के साथ निकलता था, लग्जरी कार में सवार होता था और महंगे कपड़े पहनता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। चोरी करने से पहले ये सुपर चोर बाकायदा रेकी करता था और बार बार कॉल बेल बजाकर तस्दीक करता था कि घर पूरी तरह से खाली है या नहीं। ये जो टारगेट करता था सिर्फ पहले था कि उसको डोरबेल बजाया, एक बार बजाया, फिर अगर कोई आ गया तो फिर वहाँ से चले गए। आपको एक क्लिप दिखाएंगे जिसमें अगर डोरबेल बजाए तो एकदम फिर वापस भाग के जा रहे हैं। डोरबेल बजाया नहीं आया तो उसके बाद थोड़ा देर रोक के फिर दोबारा डोरबेल बजाते हैं। जब कोई नहीं आया तो उसके बाद या तो दरवाजे से, मेजोरिटी मैक्सिमम टाइम ये खिड़की का वो ग्रिल तोड़ के उसके बाद अंदर घुसता था। सिर्फ और सिर्फ कैश और ज्वेलरी या जिसको कई बार वो छोटा जो उसका बॉक्स होता है तिजोरी छोटा सा उसको भी उठा के ले गए,
वो ये टारगेट करते थे। आखिर पुलिस को इस सुपर थीफ का सुराग कैसे मिला और एक कार ने किस तरह उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, ये हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। दिल्ली से रुमानुल्ला खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और सिद्धार्थ को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने गूगल और फेसबुक का सहारा लिया। सिद्धार्थ के फेसबुक पेज पर जो कार नजर आई उसने पुलिस को एक अहम सुराग दे दिया और जल्द ही वो कानून की गिरफ्त में भी अब आ गया। अब तक आपने सुपर चोर की कहानियां फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन ये है रियल लाइफ का सुपर चोर सिद्धार्थ मेहरोत्रा। लेकिन ये सुपर चोर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता अगर पुलिस को ये सबूत नहीं मिलता। वसंत कुंज में जिन इलाकों में सेंधमारी हुई थी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में पुलिस को सिद्धार्थ मेहरोत्रा का सुराग मिला, लेकिन पुलिस को सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सीसीटीवी में सिद्धार्थ की तस्वीरें कैद हो गईं। एक अच्छे खाते पीते घर का ये शख्स लग रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गूगल सर्च इंजन का सहारा लिया, फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लिया, जिसके बाद आखिरकार इस सुपर चोर के बारे में सुराग लगा और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने सिद्धार्थ की क्राइम फाइल का पता लगाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया, लेकिन गूगल सर्च से ज्यादा मदद नहीं मिली। इसमें चूंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, एक्सेप्ट उसका सिर्फ जो हमारा जो उसका सीसीटीवी पे जो उसका कैप्चर हम कर पाए, सिर्फ उसका चेहरा था। उसको एक टीम लगाया इसमें कि इसका फेशियल रिकॉग्निशन कुछ कोई इस तरह का कोई गूगल पे हो, हमने सर्च मारा, वो हमें उसमें कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने सिद्धार्थ को ट्रैक करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ वर्ड टेक्निक को अपनाया और ये तकनीक काम आ गई। स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स जो होता है, इट इज़ ए टेक्निक यूज्ड फॉर डाटा माइनिंग और डाटा क्रॉलिंग। हमने सेलेक्टिव वर्ड्स उसमें डाला, लास्ट में जब करते करते इन्होंने एक ऑफिसर्स सन अरेस्टेड एक ये उसमें डाला। नोएडा पुलिस का एक 2015 का प्रेस रिलीज का एक वो उसमें आ गया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया, तब हमने इस पे पता लगा इसका। जब हमने डिटेल उसमें देखा तो ये सिद्धार्थ मेहरोत्रा हमें पता लगा। पुलिस को सिद्धार्थ मेहरोत्रा के बारे में बेसिक जानकारियां मिल चुकी थी, लेकिन उसका कच्चा चिट्ठा खुलना बाकी था। ये काम फेसबुक सर्च से पूरा हुआ। फिर हमने इसका फेसबुक पे हमारे जो ऑफिसर हैं उसने फेसबुक सर्च किया, फेसबुक सिद्धार्थ मेहरोत्रा के नाम से इसका 2-3 उसमें आया, जिसमें एक ये इको स्पोर्ट कार पे बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ के फेसबुक पेज पर जो कार नजर आई उसने पुलिस को एक अहम सुराग दे दिया। पुलिस ने उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे सिद्धार्थ को खोजना शुरू किया और जल्द ही वो कानून की गिरफ्त में आ गया। इस फोन का लोकेशन हमारे वसंत कुंज थाने के इलाके में, वसंत कुंज एरिया में आया उसी वक्त जिस वक्त हमारा ये बर्गलरी रिपोर्ट हुआ। उसके बाद फिर इसका हमने जब टीमें लगाई तो उसके बाद इसको पीतमपुरा से हम इसको अरेस्ट करने में कामयाब हुए। हमारी सारी 18 की 18 बर्गलरीज हमारी सारी वर्कआउट हो गई। सिद्धार्थ की गिरफ्तारी के बाद उसके बारे में पुलिस ने जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले हैं। वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि शौक और ऐशो आराम के लिए चोरी करता था। चोरी उसके लिए इजी मनी का जरिया था। नोएडा में भी उसने 34 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मुझे लग रहा है या तो एक इसका पैशन हो गया या फिर एक इजी मनी हो गया। कहाँ जैसे एक उसमें एक अटेम्प्ट में आप देखिए ना कि 34 लाख रुपया मिल गया। 34 लाख रुपया बगैर किसी मेहनत के थोड़ा सा उसने एफर्ट किया और उससे मिल गया। उससे फिर गाड़ी खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली, अपने शौक पूरा कर रहा है। ही वॉज लीडिंग ए वेरी गुड लाइफ स्टाइल, इधर उधर घूमना और सारा उस तरह। सिद्धार्थ एक खाते पीते घर का लड़का है। उसके पिता बैंक अफसर रह चुके हैं, लेकिन बेटे की आपराधिक हरकतों से परेशान होकर उन्होंने सिद्धार्थ को घर से निकाल दिया था। पुलिस ने सिद्धार्थ के साथ उसके 2 साथियों को भी अरेस्ट किया है। उनके पास से चोरी का काफी माल बरामद किया गया है। रुमानुल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये तो आपको हाईटेक चोरों से अलर्ट करती हमारी रिपोर्ट थी। आगे बात करते हैं मौत के सीवर की। दिल्ली में सीवर मजदूरों के लिए काल साबित हो रहे हैं। पिछले 35 दिनों में सीवर उतरने के बाद 10 मजदूरों की मौत हो चुकी है। दरअसल सीवर से निकलने वाली जहरीली गैस से मजदूरों का दम घुट जाता है। SOPs जो होते हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, गाइडलाइंस बनी हुई हैं, लेकिन कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट इन सफाई कर्मचारियों को नहीं मिलता है। सरकार मौत के बाद जैसा हरकत में आती है और जांच की बात कहती है, वो दोनों कर रही है। दिल्ली में मौत का सीवर। सीवर में जहरीली गैस से बचने का नहीं था इंतजाम। खतरनाक गैस ने मजदूरों को मार डाला।
35 दिनों में 10 मजदूरों की मौत। यह है 21वीं सदी के हिंदुस्तान की हकीकत। देश भले ही चांद से लेकर मंगल ग्रह तक तरक्की की बुलंदियां फतेह करने के लिए तैयार है, लेकिन देश की राजधानी में सीवर साफ करने वाले मजदूरों की जिंदगी की हिफाजत का कोई मुकम्मल इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है। दिल्ली में एक बार फिर सीवर काल साबित हुआ। सीवर की सफाई करने उतरे एक और मजदूर की मौत हो गई। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल परिसर के सीवर में रविवार को जहरीली गैस ने 45 साल के ऋषिपाल की जान ले ली। राजधानी दिल्ली के LNJP अस्पताल में घटी दर्दनाक घटना। आपको अस्पताल के भीतर का वही परिसर दिखा रहे हैं जहां एक सफाई कर्मचारी की सीवर साफ करते वक्त दम घुटने से जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई। दरअसल अस्पताल के अंदर बने सीवर की सफाई के लिए PWD के जरिए एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया था और रविवार दोपहर करीब 1 बजे जो कर्मचारी सीवर की सफाई के लिए उतरे थे, अंदर जहरीली गैस से 48 साल के ऋषिपाल की मौत हो गई। सीवर में ऋषिपाल को बचाने बाकी 3 कर्मचारी भी जुटे, लेकिन गैस लीक होने की वजह से तीनों कर्मचारी करण, सुमित, बिशन बेहोश हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक मजदूरों के पास मास्क जैसी बुनियादी सुरक्षा उपकरण भी नहीं थे, इसलिए जब जहरीली गैस का हमला हुआ तो उनका दम घुट गया। एक्चुअली हम लोग यहाँ मरीज लेके कई दिन से भर्ती हुए हैं, तो छाए के लिए हम लोग इधर बैठने के लिए आते थे, तो जो सीवर मैन थे उन लोगों ने सफाई के लिए यहाँ पे आया और अपना काम शुरू किया। तब तक हम लोग इधर ही बैठे हुए थे, तो वो लोग अपना काम चालू किए। कुछ देर बाद अंदर से चीख आई, फिर ऊपर के लोगों ने फायर वाले को बुलाया, फिर अपने प्रयास किया। ऐसे में उनके साथ का एक लड़का अंदर गया तो बारी बारी से जो है उन लोगों को निकाला, लेकिन निकालते समय ही कुछ ऐसी परेशानियां थी दम घुटने से, जो है ना तो कोई मास्क था ना कुछ था, लापरवाही थी कुछ यहाँ के काम कराने वाले कर्मचारियों का, जो कि अंदर दम घुटने से ही एक आदमी का डेथ तो हो ही चुका था, बाकी 3 लोग भर्ती हैं उसमें जो 2 लोग। LNJP अस्पताल के अंदर बने सीवर की सफाई के लिए PWD ने निजी कंपनी को सफाई का ठेका दिया था, लेकिन आरोप है कि सीवर की सफाई के लिए उतरे इन मजदूरों को सुरक्षा किट मुहैया नहीं करवाई गई। अभी अभी हमने जो दिल्ली में जो घटनाएं हुई उससे जो हमें यही पता चला है कि ये सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है और सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए ऐसे लोगों को अंदर उतार कर मौत के घाट उतार देते हैं, तो ये वारदात नहीं होनी चाहिए। ये जो एक्ट है MX एक्ट, उनका पूरी तरह से और सख्ती से पालन होना चाहिए। ऋषिपाल की मौत के बाद पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ठेकेदार अब भी फरार है, तो PWD ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जबकि पिछले 35 दिन में 10 मजदूरों की जान चली गई है। महज 35 दिनों में ही सीवर साफ करने उतरे 10 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आकर मौत हो गई, और यह आंकड़ा किसी दूर दराज के इलाके का नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली का है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस के होने के बावजूद भी देश की राजधानी दिल्ली में महज चंद पैसे बचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर इन सीवरों की सफाई करने के लिए लोगों को उतारा जा रहा है और प्रशासन खामोश है। 6 अगस्त 2017 को लाजपत नगर इलाके में सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने के चलते 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। 12 अगस्त को दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सीवर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। 15 जुलाई को घिटरौनी इलाके में एक सेप्टिक टैंक की सप्लाई के दौरान दम घुटने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि सीवर में उतरने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए नियम मौजूद नहीं है। नियमों में तो मजदूरों की सुरक्षा के लिए कई उपायों का जिक्र है, लेकिन अक्सर उनका पालन नहीं किया जाता, जिससे जानलेवा हादसे होते हैं। उनको रस्सी से अंदर उतारा जाता है, उनमें गैस है कि नहीं वो पहले चेक करना होता है, उनके बाद ही उतारा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि ऐसी परिस्थिति में किसी भी स्वीपर को, किसी भी कर्मचारी को अंदर नहीं भेजा जाएगा। अगर भेजा जाएगा तो फुली अपनी जो किट है जो MS एक्ट में लिखी गई है उनका पालन करना होगा। सीवर में मजदूरों की मौत को लेकर सरकार भी एक्शन में आई है। दिल्ली सरकार ने सीवर में किसी भी व्यक्ति को उतारने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई ठेकेदार सीवर साफ करने के लिए मजदूर को उतारेगा तो उस ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जल बोर्ड से कहा है कि वो ऐसा सिस्टम तैयार करे जिससे मजदूरों को उतारे बिना सीवर की सफाई की जा सके। सूरज अरोड़ा, रोमानुल्ला खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।